जी स्टूडेंट्स, आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करेंगे। तो इस पार्ट में देखें, ये 3 नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर है 111011, इसकी बेस है 2, आगे 1010, इसकी बेस 2, आगे प्लस 1001, इसकी बेस भी 2 है। इन तीनों नंबर्स की बेस क्या है? बेस 2 है। तो इन तीनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। या आगे कर्ली ब्रैकेट में ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर को पहले हम प्लस करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो तो फिर हम बोर्ड मैस रूल यूज़ करते हैं। बोर्ड मैस में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट का आंसर लिखते हैं। तो ये ब्रैकेट में है ये दोनों नंबर, कर्ली ब्रैकेट में, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इन दोनों नंबर्स को कैसे हम प्लस करेंगे, पहले हम इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। इन दोनों की बेस 2 है, तो अब इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करके हम आंसर इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो 0 में पहले ये 1 प्लस कर देंगे, 0 प्लस 1, ये 1 आएगा, तो 1 इसके नीचे लिखेंगे। अब इस 1 में ये 0 प्लस करेंगे तो ये भी 1 आएगा, तो 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो बेस होती है बेस से हम छोटा डिजिट लिखते हैं। तो इनका इनको प्लस किया 2 आ रहा है, तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे बेस पे। बेस क्या है? बेस भी 2 है। 2 1 2, तो माइनस करेंगे 0 आएगा। अब ये नीचे वाला जो रिमाइंडर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर वाला 1 आगे कैरी जाएगा। तो लेकिन आगे नंबर नहीं है, तो हम ऐसे ही नीचे 1 लिख देंगे यहाँ। अब इसका यही आंसर होगा 1001। तो इसकी हम बेस लिख देंगे 2, क्योंकि इसकी बेस 2 है। अब ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे? इस ब्लैंक में। देखें, बेस 2 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का आंसर इसी ब्लैंक में ही लिखेंगे, 1001। अब हम इन दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे। इसमें हम फर्स्ट नंबर में से ये माइनस कर देंगे सेकंड नंबर, ये वाला, तो इनका भी आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब हम इस नंबर से ये वाला नंबर माइनस करेंगे, तो इनको इस तरह से लिखेंगे वर्टिकली फॉर्म में, ये फर्स्ट नंबर ऊपर और सेकंड नंबर नीचे, दोनों की बेस क्या है? 2। अब इनको हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो पहले हम इस 1 में से ये 1 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? 0। तो 0 इनके नीचे लिख देंगे। अब इस 1 में से भी ये 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ये भी 0 आ जाएगा। अब ये 0 में से 0 माइनस करेंगे, ये भी 0 आएगा। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे, क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे। अब 1 में से फिर 1 में से 0 माइनस करें सॉरी 1 में से 1 माइनस करें तो ये भी 0 आता है। अब ये लास्ट में 1 है, ये ऐसे ही नीचे लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे नंबर नहीं है, तो ये 1 आ गया। अब यही आंसर होगा, इसकी अब बेस लिख देंगे। बेस क्या होगी इसकी? 2। अब ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे? इस लास्ट ब्लैंक में, 101000, 101000। अब हम ये इसका 5 पार्ट करेंगे। 5 पार्ट में हम इस फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड नंबर से, तो इनका भी आंसर जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे इस ब्लैंक में। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको हम वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, फर्स्ट नंबर ऊपर और आगे वाला नीचे, इनकी बेस भी 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें पहले हम इस 1 को ऊपर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 0 1। अब इसी तरह आगे वाले इस 1 से करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। अब इसके आगे इस 1 से करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे सारे 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 और 1 लिख देंगे, 1 1 1 और 1। देखिए ऊपर 7 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 1 आ गए यहाँ पे। अब इस 1 को भी ऊपर वाले 7 1 से करेंगे तो सारे डिजिट से, तो वो भी 7 7 बार 1 आ जाएगा। तो पहले इस नंबर के नीचे क्रॉस लगाएंगे, पहले इस 1 को ऊपर वाले सारे 1 से करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएंगे, तो 7 बार 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम इस 0 को ऊपर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले यहाँ 2 क्रॉस लगाएंगे यहाँ और 1 इस 1 के नीचे, तो 0 को ऊपर वाले 7 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वो आंसर 0 आता है। तो 7 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस 1 को ऊपर वाले सारे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7 बार 1 लिख देंगे, पहले 3 क्रॉस यहाँ आएंगे, 1 2 3, तो पहले 1 ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो इसी तरह आगे सारे 1 आएंगे।
इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आगे 6 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स 1 है तो 6 बार ही 1 लिखेंगे, 1 1 1 और 1 फिर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह अब हम ये लास्ट वाले 1 से ऊपर वाले सारे डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ 4 4 टाइम क्रॉस लगाएंगे, 1 2 3 और एक इसके नीचे क्रॉस आएगा। अब इस 1 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आएगा। अब ये 1 को इस 1 से करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। अब 1 को इस 1 से करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी आगे वाले 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी तो अब हम इनको प्लस कर देंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो पहले ये 1 नीचे लिखेंगे हम इस साइड से, क्योंकि स्टार्ट करते हैं इसमें कोई नंबर नहीं प्लस होगा, इसके नीचे सारे क्रॉस हैं तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। अब ये 1 में प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आएगा, लेकिन 2 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी बेस 2 है, तो 2 से छोटा डिजिट लिखेंगे। तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे बेस पे, बेस क्या है, बेस 2 है, तो 2 1 टाइम 2 होता है, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह ये नीचे वाला 0 इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे, और ये 1 ऊपर वाला कैरी आ जाएगा इस 1 के ऊपर। अब ये 1 इस 1 में प्लस करेंगे 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 आएगा, तो फिर 3 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देंगे बेस पे, बेस 2 है, तो फिर 2 1 टाइम 2, तो इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब नीचे वाला नंबर नीचे लिखेंगे यहाँ पे, और ये ऊपर वाला 1 ये कैरी आ जाएगा इस आगे यहाँ पे। अब ये 1 इसमें 1 प्लस करें 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 प्लस 1 ये 4 बन जाएगा, तो 4 यहाँ नहीं लिखेंगे, तो 4 को डिवाइड कर देंगे फिर बेस पे, बेस क्या है, बेस 2, 2 2 4, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब ये नीचे वाला 0 यहाँ आएगा इसके नीचे, और ये ऊपर वाला 2 कैरी आ जाएगा इस 1 के ऊपर। अब ये 2 इसमें प्लस करेंगे 1 में 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो 6 यहाँ नहीं लिखेंगे, तो फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो इसका आंसर आएगा 2 3 6 होता है, 3 यहाँ आएगा इसके नीचे 6, माइनस करेंगे 0। आप नीचे वाला नंबर 0 इनके नीचे लिख देंगे यहाँ, और ये ऊपर वाला कैरी चला जाएगा इस 1 के ऊपर। अब ये 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, अब ये 7 यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर 7 को हम डिवाइड करेंगे बेस पे, बेस क्या है 2, 2 3 6, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अब ये नीचे वाला 1 यहाँ लिख देंगे, और ऊपर वाला 3 कैरी आ जाएगा इस नंबर के ऊपर। अब ये 3 इसमें 1 प्लस 3 में प्लस 1 करेंगे 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, अब इनका फिर आंसर 7 आ गया, 7 यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से देखें, 7 को पहले हमने बेस पे डिवाइड किया तो नीचे 1 है, तो 1 इसके नीचे दोबारा लिखेंगे, और ये ऊपर वाला 3 फिर आगे इसके ऊपर कैरी आएगा। अब ये 3 इस 1 में प्लस करेंगे 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 यहाँ नहीं लिखेंगे। देखें 6 को पहले हमने बेस पे डिवाइड किया तो नीचे वाला नंबर 0 यहाँ लिखेंगे, और इसका आंसर था ऊपर वाला 3, 3 आगे कैरी इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये 3 में 1 प्लस कर देंगे 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, 5 को इस तरह से हम बेस पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 होता है, तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा, 1 इसके नीचे आएगा और 2 आगे कैरी चला जाएगा इसके ऊपर। अब ये 2 को 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 इसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो इस तरह देखें, 4 को पहले बेस पे डिवाइड किया तो नीचे 0 है, तो 0 इसके नीचे आएगा, तो ये ऊपर वाला 2 इसके ऊपर कैरी आ जाएगा। अब ये 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ नहीं लिखेंगे। देखें 3 को पहले बेस पे डिवाइड किया 2 पे, तो इसका नीचे 1 है, तो 1 इसके नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर वाला 1 आगे चला जाएगा, आगे नंबर नहीं है तो वो 1 फिर यहाँ ही लिखेंगे हम। अब इसी तरह 5 पार्ट का यही आंसर होगा, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, इनकी बेस 2 है। अब ये वाले सारे डिजिट हम इस ब्लैंक में लिख देंगे।